उत्तर प्रदेश में ठंड ने लोगों को बुरी तरह बेहाल कर दिया है। बीते कई दिनों से बढ़ती गलन ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। वहीं घने कोहरे की वजह से चलती गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। साथ ही अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां दिन में तापमान करीबन 13 डिग्री और रात को लुढ़क कर यही तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे आम जन जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए संवाददाता अश्विनी त्रिवेदी की पूरी रिपोर्ट। बीते दिनों ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। अभी हम राजधानी लखनऊ के निंगोहा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार जो दिन का पारा है वो 13 डिग्री सेल्सियस और वहीं अगर रात के जो ठंड के पारे की बात की जाए तो 6 डिग्री तक ठंड का पारा है। आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग लगातार आग का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों के रोजमर्रे के काम पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का प्रभाव पड़ा है ठंड के कारण। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। बढ़ती ठंड से कितना ज़्यादा कामकाज में प्रभाव पड़ा? कामकाज में बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। हम लोग सुबह से ताप रहे हैं। कितना जो है अभी 12 बजने को है तो ठंड कम पड़ी है? अभी ठंड कम नहीं पड़ी हुई है और बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि लगातार ठंड से कामकाज में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से वो आग का सहारा ले रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? चेतन किशोर नाम है। किस तरीके से ठंड बढ़ रही है और आप लोग किस तरह से? ठंड बहुत हो रही है, हम ठंड में क्या बोल सकते हैं, तो ज़्यादा हद से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं लोगों के कामकाज पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लगातार ठंड के कारण उनके कामकाज में कितना प्रभाव पड़ा है। भाई क्या नाम है आपका? सिंह। बढ़ती ठंड से कितना ज़्यादा कामकाज में प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई ठंड के बारे, कोई मतलब अलाव अपनी सरकार की तरफ से कोई नहीं, सब प्राइवेट लकड़ियाँ ताप रहे हैं। अगर बात की जाए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व जिला अधिकारी ने लगातार दावे किए हैं कि ठंड से बचने के लिए लोगों को जगह जगह अलाव जलाया जाए, तो क्या सरकारी अलाव कहीं निगोहा में जलता हुआ दिखा है? अभी कहीं नहीं लगा, सब प्राइवेट लकड़ी, सब प्राइवेट लकड़ियाँ। अभी कई हम सुना दिए तो है, सरकार में कोई वादा नहीं पूरे अभी यहाँ। अच्छा, जो है कामकाज में कितना प्रभाव? कामकाज तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ठंड मारे कोई निकल नहीं पा रहा घर से ना, सब ठंड मारे कोई काम नहीं हो पा रहा पूरा, कोई भी ना खेती का काम, ना प्राय दुकान का काम, ना प्राइवेट नौकरी कोई कर पा रहा, ना कोई मजदूर भी जा रहा, ठंड के मारे बहुत दिक्कत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये निगोहा के लोग मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकारी व्यवस्थाओं की बात की जाए, सरकार लगातार दावा तो जरूर ठोक रही है कि जगह जगह अलाव जलाया जाए लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं भी निगोहा क्षेत्र में देखने को नहीं मिला कि जहाँ पर सरकारी अलाव जलाया जा रहा हो। वहीं लोगों का कहना है कि ठंड के कारण उनके रोजमर्रा के काम और बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अश्विनी त्रिवेदी, Alive24 लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।